मुसलमानों की अक्सरियत जो है वो गाफिलीन पर मुश्तमिल है, उन्हें सही शऊर नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है कि उनके फ़राइज क्या हैं, उन्हें उनके उलमा ने बताया ही नहीं है, गुज़ोफ़ ईमान के अंदर मुबतला है। मुनाफिक सिर्फ वो होंगे, नोट कर लीजिए अच्छी तरह, जो इकामत दीन की किसी जिद्दोजहद में शरीक हो जाए, और वो पूरी बात को समझ करके, हाँ जब गलबा बातिल है तो इस बातिल के खिलाफ जिद्दोजहद और जिहाद करना मेरा फर्ज ऐन है, और इस फर्ज ऐन को अदा करने के लिए वो किसी जमात का दामन थामता है, उसमें शामिल होता है, आगे बढ़ता है। लेकिन फिर जब आजमाइशें आती हैं, सबसे बड़ी आजमाइश यह समोतात, अमीर हुक्म दे रहा है और आपको मानना है, और जाहिर बात है कि इंसान पर गरम गुजरती है ये बात, ये अमीर कौन है, ये भी तो इंसान है हम जैसा, मैं इसकी बात क्यों मानूं, मैं इससे ज्यादा समझदार हूं, ज्यादा फहीम हूं। ये जो फिर आजमाइशें आती हैं, या फिर कहा जाता है ये करो फला वक्त निकलो, और वही काम जो है मेरी दुकान के ऊपर जो है ज्यादा कारोबार का वक्त है, और यहां कहा जा रहा निकलो, तो ये जब इस वजह से पीछे हटना शुरू होगा इंसान, पसपाई इख्तियार करेगा, पहले मरहले पर तस्लीम कर लेगा अपनी खामी को, दूसरे मरहले पर झूठा बहाना बनाएगा, तीसरे मरहले पर झूठी कस्में खाएगा, और फिर अदावत हो जाएगी उसे। ये किन में होगा? सिर्फ उन लोगों में जो दीन का डायनेमिक कॉन्सेप्ट, दीन का इनकलाबी तसव्वुर, दीन वो दीन के जिसको कायम करना फर्ज है, दीन वो दीन के जो चाहता है लियकून दीन कुल्लहू लिल्लाह, पूरा निजाम जिंदगी अल्लाह की इताअत के अंदर आ जाए, उस दीन को मानकर समझकर अपने फर्ज मनसबी के शऊर के साथ किसी तहरीक में, किसी जिद्दोजहद में, किसी जमात में शामिल होते हैं, और फिर जब उसके अमली तकाजे सामने आए तो फिर पसपाई इख्तियार करते हैं। मुनाफिकत उनके लिए, आम मुसलमान मुनाफिक नहीं है, जिन्हें यह शऊर ही नहीं हुआ, जिनको समझ में नहीं आया कि यह भी कोई फर्ज है, जिन्हें यह तो मालूम है कि नमाज फर्ज है लेकिन इकामत दीन की जिद्दोजहद की फर्जियत उन्हें पता ही नहीं। जिहाद तो जंग को कहते हैं, तो जंग तो फौज ने करनी है, हम कौन, जिहाद और क़िताल से बिल्कुल अपने आप को बरी समझ लेना, यह है आम मुसलमानों का मामला। तो उनके अंदर फिस्क है, फजूर है, और ज़ोफ़ ईमान है, बेअमली है, गुनाहों की जिंदगी, सब कुछ है, निफाक नहीं है। निफाक की मैंने आपको बता दिया कि आज के दौर में शक्ल सिर्फ उन लोगों के साथ है, लिहाजा डरना चाहिए उन लोगों को जो किसी ऐसी जिद्दोजहद में शरीक हों।